हाय फ्रेंड, वेलकम बैक टू माय चैनल। आज मैं आपको बहुत ही खूबसूरत डिज़ाइन बताऊंगी। ये आप जेंट्स स्वेटर में, लेडीज कार्डिगन में और किड्स स्वेटर में बना सकते हैं। इसके लिए हम स्टिचेस लेंगे मल्टीपल्स ऑफ 6+2। 14 स्टिचेस में मैं आपको ये पैटर्न बताऊंगी बनाना। चलिए हम स्टार्ट करते हैं। पहले देखिए, हम पहला फंदा स्लिप करेंगे और दूसरे फंदे को हम सीधा बुनेंगे। एक फंदा सीधा और एक फंदा उल्टा बनाना है हमें स्लिप करने के बाद। देखिए, एक फंदा उल्टा, थ्रेड पीछे किए, एक फंदा सीधा। ये बॉर्डर जैसे हम बनाते हैं सेम उसी तरह एक फंदा उल्टा एक फंदा सीधा पूरी रो हमें बनानी है। फर्स्ट रो सेम इसी तरह थर्ड रो और फिफ्थ रो हमें बनाकर कंप्लीट करना है। मैं सेकेंड रो स्टार्ट कर रही हूँ बनाना। पहला फंदा मैंने उतार दिया, थ्रेड पीछे करूँगी और आगे की तरफ हमें ये जो सीधा दिख रहा है उसे हम सीधा बुनेंगे और एक फंदा उल्टा। इस तरह हम सेकेंड रो बनाएंगे, फोर्थ रो और सिक्स रो सेम इसी तरह बनाकर कंप्लीट करेंगे। अब देखिए, हम एक फंदा उतार ले रहे हैं और इस वाले फंदे को, सीधे वाले को मैं लेफ्ट नीडल में ले रही हूँ और इसे हम राइट नीडल में ले लेंगे और एक उल्टा बुन लेंगे। थ्रेड पीछे करेंगे और देखिए, अब हमारे पास ये दो फंदे, क्योंकि मैंने टर्न किया था तो दो फंदे हमारे पास सीधे आए हैं। एक साथ हमें तीन फंदे सीधे करने हैं और तीन उल्टे। इसके लिए देखिए, अब हमारे पास एक उल्टा बचा हुआ है जिसको मैं इस तरह लेफ्ट वाले में लूँगी और राइट नीडल में मैंने सीधा लिया, फिर लेफ्ट नीडल में डाला और इस सीधे को एक साथ बुन लिए। बुनने के बाद देखिए, तीन सीधे फंदे हमारे एक साथ हो गए और एक फंदा हमारा उल्टा है, इसे हम उल्टा बुन लेंगे। एक उल्टा हो गया और अब हम देखेंगे ये जो सामने वाला, देखिए एक उल्टा है, ये दो उल्टे हो गए और फिर हमारे पास आगे सीधा आ गया, इसे हमें पीछे करना है और ये जो उल्टा फंदा है इसे लेना है, क्योंकि तीन उल्टे करने हैं और सीधे वाले को हम लेफ्ट नीडल में डाल देंगे। और अब मैं डालूँगी उल्टे फंदे को, क्योंकि हमें उल्टा फंदा पहले बुनना है, तीन करना है। देखिए, ये तीन उल्टे फंदे हो गए। अब हमारे पास दो फंदे अभी सीधे हैं जिनको मैं थ्रेड पीछे करके सीधा बुन लूँगी, एक और दो। ये मैंने बुना, हमें तीन चाहिए सीधे। तो देखिए, ये उल्टा है जो हम इसे पीछे की तरफ से इस नीडल में डालेंगे और लेफ्ट नीडल में इसे पहले डालेंगे, तब हम सीधा अपना बुन लेंगे। ये ध्यान रखना है कि तीन सीधे फंदे और तीन उल्टे फंदे हमें करना है। लास्ट में हमारे पास देखिए, यहाँ अब बचे हैं 1 और 2 उल्टे फंदे और फिर थ्रेड पीछे करेंगे हम और लास्ट वाले फंदे को सीधा बुन लेंगे। हम देखें, यहाँ हमारे पास देखिए, ये उल्टा एक है, एक दो तीन सीधा, फिर तीन उल्टा, फिर तीन सीधा, इस तरह हमारे पास बनते चले जाएंगे। डिज़ाइन बड़ी होगी उतनी, तीन सीधे फंदे और तीन उल्टे फंदे ही हमें रखने हैं, तीन तीन के। अब हम 8th रो में हैं, ये 7th रो थी हमारी। 8th रो में हम पहला फंदा स्लिप करेंगे। इस तरफ से हमें जो फंदे सीधे दिख रहे हैं तीन, उन्हें हम सीधा बुन लेंगे। देखिए, 1, 2 और जो कि 7th रो में, ये हमें ये तीन नहीं दो दिख रहे हैं, तो हमें दो बनाने पड़ेंगे क्योंकि अब हमें तीन फंदे दिख रहे हैं, 1, 2 और 3। उसके बाद फिर हम थ्रेड पीछे करेंगे और तीन सीधे फंदों को बुन लेंगे।
तीन सीधा तीन उल्टा बुनना है हमें। तीन सीधा मैंने बुना, थ्रेड अपनी तरफ करते हुए तीन फंदे को उल्टा बुनूंगी, एक दो और तीन। उसके बाद हमारे पास दो फंदे जो बचे हैं उन्हें हम सीधा बुन लेंगे। अब हम नाइन्थ रो में आएंगे। एक फंदा मैंने स्लिप किया, एक फंदा है हमारा जिसे हम उल्टा बना लेंगे। अब हमें सीधे फंदे पे डिज़ाइन बनना, थ्रेड पीछे करेंगे, एक दो और तीन। मैंने राइट नीडल पे उतारा, जो पहला फंदा है इन दोनों फंदों पर से इसे हम पलट देंगे। पलटने के बाद फिर हम इस फंदों को अपने लेफ्ट नीडल में डालेंगे। डालने के बाद पहला फंदा मैंने सीधा बुना। अब हमारे पास दो फंदे हो गए, ये ध्यान रखना, हमें तीन बनाना है क्योंकि कम हो गए फंदे। मैंने जाली बनाया और एक फंदा बुन दिया। जाली बनाने पे ये देखिए बीच में डिज़ाइन आएगी, सीधे वाले पे ही हमें ऊपर से फंदे को स्लिप करते हुए फिर जाली बनाकर फंदों को बढ़ाना है। देखिए एक दो तीन, ये उल्टा हो गया हमारा। अब मैं फिर एक बार आपको बता रही हूँ, ये देखिए एक दो तीन, सीधे फंदे को हमने राइट नीडल में लिया और उसके बाद पहले फंदे को हम इसके ऊपर से पलट दिए। जब पलट दिए उसके बाद फिर हम इसे लेफ्ट नीडल में डाल देंगे। लेफ्ट नीडल में डालकर पहला फंदा हम सीधा बुनेंगे, उसके बाद लपेटकर हम जाली बनाएंगे और सेकेंड वाले फंदे को भी सीधा बुनेंगे। तो जो फंदे हमने घटाए थे वो हमारे तीन फंदे बन गए। आगे हमारे पास दो उल्टे फंदे हैं, उसे मैं उल्टा बुनूंगी, लास्ट के फंदे को हम सीधा बुन लेंगे। अब देखिए हमारे पास रॉन्ग साइड में हम आ गए हैं। रॉन्ग साइड में मैं जो फंदे हमें सीधे दिखेंगे उन्हें हम सीधा बुनेंगे, सेम वन टू सीधा दिख रहे हैं, और तीन फंदों को हम उल्टे बुनेंगे। जो जाली वाले फंदे हैं उन्हें भी हमें उल्टा बुनना है, दो तीन। फिर हम थ्रेड पीछे करेंगे, जो तीन फंदे हमें अब सीधे दिखेंगे उन्हें हम सीधा बुन लेंगे। 10 रो मैंने कंप्लीट कर ली। 11th रो में हम हैं, फंदे को देखिए उतार लेंगे, एक पहला फंदा, उसके बाद हम थ्रेड आगे करेंगे क्योंकि हमें एक फंदा अपना उल्टा दिख रहा है, उसे हम उल्टा बुन लेंगे। थ्रेड पीछे करेंगे, ये जो जाली से बने हुए फंदे हमारे तीन सीधे हैं उन्हें हम तीन सीधा बुन लेंगे। ये हमारी 11th रो है और 12th रो सेम उसी तरह बनेगी जैसे मैंने रॉन्ग साइड की रो बनाई थी, सेम उसी तरह बनाते हुए कंप्लीट करेंगे। तीन उल्टा, थ्रेड पीछे, तीन सीधा, और तीन, थ्रेड आगे, दो सीधे, दो उल्टे और एक सीधा। मतलब जैसे आपको फंदा दिखाई दे वैसे आपको बना लेना है। रॉन्ग साइड सेम उसी तरह बनेगा जैसे मैंने 8th और 10th रो बनाया। रो 13 में पहला फंदा हम स्लिप कर रहे हैं, इसे सेम रो 9 के तरह हमें बनाना है। ये जो फंदे हैं इसके बाद मैं इन फंदों को उल्टा बनाऊंगी, थ्रेड पीछे करेंगे। अब देखिए हम ये दो तीन,
जैसे नाइन्थ रो बनाई थी सेम उसी तरह, ये देखिए फंदे को पलटेंगे और फिर हम इसे रॉन्ग उस निडल में डालेंगे। आगे वाले फंदे को हम सीधा बुनेंगे, एक फंदा हम जाली बनाएंगे, फिर एक फंदे को सीधा बुनेंगे। आगे के तीन जो हैं हम उल्टा बुनेंगे, एक दो और तीन। एक फंदा मैंने स्लिप किया और एक फंदा जो हमारा उल्टा है इसे हम पीछे तरफ से इस वाली निडल में डालें और ये जो सीधा फंदा उसे उठाकर पहले कर दिया मैंने सीधा। अब हम इस सीधे फंदे को सीधा बुनेंगे क्योंकि हमें पैटर्न को सेम उसी तरह लाना है जैसे मैंने पहले एक सीधा एक उल्टा किया था और एक ये सीधा हो गया। फिर हम थ्रेड आगे की तरफ करेंगे, एक फंदे को उल्टा करेंगे, एक फंदा सीधा एक फंदा उल्टा हो गया और अब हम सीधा फंदा एक अपना बुन लेंगे। फिर हम पीछे की तरफ से इसे देखिए इस तरह लाएं और ये सीधा वाला फंदा जो है इसे हम निडल में रखें और ये तो अब हम एक सीधा बनाए हैं तो हमें थ्रेड आगे करके एक उल्टा बनाना है। जैसे हमने सेवेंथ रो तक इसे बनाया था सेम सिक्स रो कंप्लीट उसी तरह से करना है हमें चेंज। अब हम फिर सीधा करेंगे ये, फिर हमारे पास एक फंदा उल्टा आ गया है और अब हमारे पास देखिए ये फंदा उल्टा ये सीधा तो हमें पीछे से इसे पहले ले जाना है और सीधे फंदे को आगे लाना है। ये मैं उठा लूँ, फंदा थोड़ा सा गिर गया है, इसे हम इस तरह ले लेंगे, इस पे डाले और थ्रेड पीछे करके सीधे बना दिया। इसी तरह करते हुए हमें एक सीधा एक उल्टा एक सीधा एक उल्टा पूरी रो कंप्लीट करनी है। ये अब हम इसे सीधा बना लेंगे, फिर इस वाले फंदे को हो गया।
रॉन्ग साइड में सेम उसी तरह हमें एक सीधा एक उल्टा एक सीधा एक उल्टा बनाते हुए 16th row कंप्लीट करनी है। और 16th row जब कंप्लीट कर लेंगे तो ये हम देखें ये पोर्शन जो बना लिया ये डिज़ाइन, उसके बाद फिर हमें 6 row सेम एक सीधा एक उल्टा वाला बॉर्डर 6 row बनाते हुए डिज़ाइन को कंप्लीट करना है। देखिए ये डिज़ाइनें बनी, उसके बाद फिर हमारा ये प्लेन बॉर्डर आएगा, इसी तरह डिज़ाइन बनती जाएगी। आपको रेगुलर ये रो दोहराने के बाद इस तरह पैटर्न तैयार होगा। रेगुलर 16 row दोहराते हुए आप इस डिज़ाइन को कंप्लीट करेंगे। बहुत ही सुंदर डिज़ाइन है, अगर आपको पसंद आई हो तो प्लीज़ मेरे वीडियो को लाइक कीजिएगा और चैनल को सब्सक्राइब कीजिएगा। नेक्स्ट क्रिएशन के साथ फिर मिलेंगे। थैंक यू।